गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा आज लेसन 11 में हमारा टॉपिक है वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर प्लैनेट. जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लैनेट पे. अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. 3/4 हमारा भाग है वो किससे घिरा है हमारा अर्थ? वाटर. That is why it is called blue planet. और इसे हम blue planet भी बोलते हैं. Water is present on the earth in form of जो हमारे earth पे जो water is present on the earth in the form of water bodies. जो हमारे earth पे जो water present है वो किस form में present है? Land form, water bodies के form में present है. ठीक है, water is present on the earth in the form of water bodies. Water bodies के form में earth पे present. ठीक है. वॉटर बॉडीज आर द एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट आर कवर्ड विद वॉटर. इससे कवर्ड है वॉटर से. दिस वॉटर बॉडीज आर डिफरेंट साइज. और इनके जितनी भी हमारे वॉटर बॉडीज है सबके साइज अलग अलग होते हैं. तो चलिए आते हैं सबसे पहले वॉटर बॉडीज. पॉन्ड. अ पॉन्ड हैज लैंड अराउंड इट ऑल साइड्स. पॉन्ड एक वो वॉटर बॉडीज होते हैं जिसकी वो वॉटर बॉडीज है जो जिसकी जो है ऑल साइड्स, इसके पूरे साइड्स क्या है? लैंड से घिरा होता है. इट इज स्मॉल वॉटर बॉडीज मोस्टली फाउंड इन विलेजेस एंड सिटी. ये बहुत ही स्मॉल वॉटर बॉडीज होती है और ये जहां ज्यादातर आपको विलेज और सिटीज में मिलेगी देखने को. ठीक है. फिर आता है लेक. अ लेक इज ऑल्सो वॉटर बॉडी विद लैंड अराउंड इट. लेक भी क्या है? इसके चारों तरफ क्या लैंड अराउंड रहती है, लैंड से घिरा रहता है. ठीक है. ऑल ऑन ऑल साइड्स, पूरे साइड्स. ठीक है. इट इज बिगर एंड डीपर देन अ पॉन्ड. ये क्या है? पॉन्ड से गहरा भी होता है, बड़ा भी होता है. देर आर सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर लेक्स फाउंड ऑन द अर्थ. ठीक है. क्या देर आर सॉल्ट वाटर? इसमें क्या सॉल्ट वाटर भी होता है, फ्रेश वाटर भी होता है, फ्रेश वाटर भी होता है और सॉल्ट वाटर भी होता है. ठीक है. लेक्स में फाउंड ऑन द अर्थ. लेक बैकाल इन रशिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ठीक है. जो हमारे बैकाल रशिया है, कोई जगह लेक है वहां पे बैकाल इन रशिया, वो क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में. ठीक है. और लेक सुपीरियर इज द यूनाइटेड स्टेट कैनेडा बॉर्डर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ सर्फेस वाटर. ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट वाटर बॉडी रिवर नदी. अनलाइक अ पॉन्ड और अ लेक अ रिवर फ्लो फ्रॉम हिल्स और माउंटेन्स टूवर्ड्स द प्लान. ये कहां से बैक कहां फ्लो करती है? फ्रॉम कहां से? हिल्स और माउंटेन्स टूवर्ड्स प्लेन्स. इट यूजली फ्लो टूवर्ड्स सीज लेक्स और अदर रिवर्स. द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की? ये है नील. ठीक है. और द बिगेस्ट रिवर है, जो बिगेस्ट है वर्ल्ड की, वो है अमेजोन रिवर. ठीक है. अब आता है सी. सी मतलब समुद्र होता है. अ सी इज वेरी लार्ज वाटर बॉडी. ये बहुत ही लार्ज वाटर बॉडीज होती है. ठीक है. पार्शली बॉर्डर बाय लैंड द वॉटर इट कंटेन सॉल्ट. इसका पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है. एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने लायक नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द सी इज कनेक्टेड टू द ओशियन. द लार्जेस्ट सी, लार्जेस्ट सी कौन सी है? फिलिपियन सी. ठीक है. द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड है फिलिपियन सी. ओके. ओशियन आता है, अब क्या सागर. ओशियन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज. दे आर नॉट बॉर्डर्ड बाय लैंड. ये बॉर्डर लैंड से बॉर्डर नहीं होती है. दे कवर अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस. ये कितना पार्ट इसका कवर्ड है अर्थ सर्फेस? दे कवर अबाउट 2/3 ओके ऑफ द अर्थ सर्फेस. ओशियंस ऑल्सो हैव सॉल्टी वाटर. इसका वो जो सागर होता है उसका भी पानी नमक की तरह नमक ही होता है. ठीक है. सॉल्टी वाटर होता है नमक. उसमें के जो ओशियंस और समुद्र के पानी होते हैं, जो समुद्र और सागर का पानी होता है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है, नमक होता है. ठीक है. और नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ऑल पीने लायक नहीं होता. वी ड्रिंक फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक्स. और हम जो भी रिवर्स और लेक्स के लेक्स का पानी पी सकते हैं उसे हम फिल्टर करके प्यूरिफाई करके पी सकते हैं, बट सी और ओशियन का पानी नहीं पी सकते क्योंकि सॉल्टी होता है. देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ. द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट. पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट है. और डीपेस्ट ओशियन क्या है? जो पैसिफिक ओशियन है वो हमारा लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो जो पैसिफिक ओशियन होता है वो लार्जेस्ट भी होता है और डीपेस्ट ओशियन भी होता है पूरे वर्ल्ड में. अब क्या है? अब देखिए, वाटर कम्स ऑफ, जो भी बारिश का पानी आता है, सम ऑफ दिस वाटर गोज अंडर द सॉइल एंड स्टोर एज अंडरग्राउंड वाटर. अब देखिए, कुछ बार जो बारिश का पानी आता है उसे हम एज अ फॉर्म अंडरग्राउंड वाटर भी यूज करते हैं. जो भी अंडर द सॉइल, सॉइल के नीचे का जो भी पानी है, जो हम
वेल ट्यूबवेल्स और हैंडपंप के थ्रू निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, वी कैन समराइज द सोर्सेज ऑफ वाटर गिवन ब्लो। जैसे सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन से, पॉन्ड लेक रिवर सी ओशियंस आर वाटर बॉडीज। अब आता है ट्रू एंड फॉल्स, आपको कंप्लीट करना है। ट्रू एंड फॉल्स, द अर्थ इज राउंड, तो ये ट्रू होगा। देयर इज मोर लैंड कवरिंग द अर्थ लैंड वाटर, ये फॉल्स होगा। हीज आर कोल्डर देन प्लेन्स, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। वी कैन नॉट यूज सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ये हमारा ट्रू होगा। ओके, अब आता है एक डिफरेंस आपको बताना है रिवर और पॉन्ड। तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, तो आप इसमें लिख सकते हैं अ रिवर फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो नदियां हैं, नदियों का जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। बट इन द पॉन्ड कैन नॉट, बट वॉटर इन द पॉन्ड कैन नॉट फ्लो। लेकिन जो हमारे तालाब का पानी होता है वो फ्लो नहीं करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करता है। अ पॉन्ड इज सराउंडेड बाय लैंड ऑल साइड, जो पॉन्ड है वो चारों तरफ से लैंड से घिरा होता है। बट व्हाइल रिवर हैज, लेकिन अगर हम रिवर की बात की जाए तो इसकी सिर्फ टू साइड से लैंड होते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स एंड वन लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर बॉडीज। अब आपको वाटर बॉडीज के नेम बताने और तो और सब में वन वन लाइन का डिस्क्रिप्शन बताना है। तो ये टॉपिक मैंने बताया था आपको, तो आप इस पे वन वन लाइन डिस्क्रिप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन करेंगे। A pond is a water, small water body which is surrounded by land on all sides. ठीक है, लैंड का आप लिखेंगे, पॉन्ड का लिख देंगे, ये पॉन्ड का हो गया। लेक का, a lake is water body deeper and bigger than a pond which is surrounded by land on all sides. ठीक है, रिवर का क्या, रिवर has land on two sides, केवल two sides होते हैं and it flow from one place to another. Sea is very large water body which is partially bordered by land. And last one is ocean. Ocean is the biggest water bodies on the earth. तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, जो मैंने आपको बता दी और एक्सरसाइजेस भी करवाए। अब इसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, जो चीजें नहीं क्लियर है, तो वो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँ। ओके, थैंक यू क्लास।